दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, BSNL यूजर्स को लगेगा बड़ा झटका। जिस 4G की राह दोस्तों 2016 से देख रहे थे कि अब लॉन्च होगा, वो फिलहाल दोस्तों लॉन्च होने वाला नहीं है। BSNL का 4G दोस्तों बहुत ही खटाई में पड़ता होना चला रहा है। दूर दूर तक BSNL 4G की कोई आशंकाएं, कोई चांसेस, कोई आशाएं नजर नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों ऊपर से BSNL और भारत सरकार DOT के बीच में दोस्तों यहां पे युद्ध यहां पे चल रहा है। दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। यहां पे DOT बोल रहा है कि BSNL जो है जानबूझ के 4G लॉन्च उसको डिले कर रहा है। BSNL ये बोल रहा है कि भारत सरकार हमें 4G लॉन्च नहीं करने दे रही। दोनों में से कौन है सच्चा कौन है झूठा, इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि BSNL का 4G क्यों नहीं आ रहा है और क्या BSNL का 4G फिलहाल आने वाला ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहिए स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं 2016 से ही भारत के अंदर जियो आया और उसके बाद 4G की लहर यहां पे आ चुकी। उसके बाद दोस्तों एयरटेल और यहां पे वोडाफोन आईडिया ने भी अपने 4G नेटवर्क डेवलप कर लिए। लेकिन हमारी भारतीय सरकारी कंपनी जिसके बाद दोस्तों घर का ही स्पेक्ट्रम होता, सरकार का खुद का स्पेक्ट्रम होता जो लोगों परचेस करती बाकी कंपनियां, या तो घर का ही था, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 4G नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया ये तो दोस्तों देखने वाली चीज है, इस पर शोध जरूर होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। लेकिन दोस्तों BSNL को 4G नहीं दिया गया। फिलहाल दोस्तों पिछले 6 महीने से बात की जा रही है, कल परसों नरसों BSNL का 4G आ जाएगा। 50,000 2G के जो नेटवर्क है, 2G और 3G के नेटवर्क्स पूरे भारत में BSNL और MTNL के, इन्हें चेंज करके 4G में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ZTE को दिया गया था, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरी कंपनी की बात करी, IT आएगा, HCL आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कोटक महिंद्रा आएगा, लेकिन कोई फिलहाल नहीं आया, कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही और BSNL का 4G दोस्तों दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि DOT और BSNL के बीच में कुछ ना कुछ तो पंगा चल रहा है। जो लड़ाई चल रही है वो दोस्तों बहुत बड़ी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। यहां बताया जा रहा है BSNL DOT blames BSNL to 4G network delay। DOT जो भारत सरकार अब यहां पे ब्लेम कर रही BSNL को कि आपके हिसाब से 4G डिले हो रहा है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी कोई चीज है, ये तो हम पड़ताल कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ उल्टा यहां पे हो रहा है। सरकार की ही कंपनी है, सरकार दोस्तों हमें BSNL को बोल रही है कि आप जानबूझ के BSNL 4G नहीं लाना चाहते। क्या BSNL ऐसा कर रहा है? थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों क्या है लड़ाई की जड़, क्या है यहां पर, किस तरह से दोस्तों BSNL 4G यहां पे नहीं आने वाला। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT बिलीव्स दैट द स्टेट एंड भारत संचार निगम यानी BSNL हैज डेलिबरेटली डिलेइंग टू रोल आउट द 4th generation नेटवर्क। दोस्तों यहां पे DOT यानी भारत सरकार ने बहुत बड़ा आरोप यहां पे BSNL पे लगा कि BSNL जो सरकारी कंपनी जानबूझ के डेलिबरेटली यानी जानबूझ के 4G रोल आउट नहीं कर रहा है। ऐसा है क्या यार, मुझे आप बताना नीचे कमेंट करके ऐसा क्यों। तो BSNL जानबूझ के दोस्तों 4G रोल आउट नहीं करना चाहता, ये आरोप लगाए DOT ने विद बोथ ब्लेमिंग टू अदर्स टू टाइम बीइंग टेकन ऑफ द और द हायर स्पीड डेटा सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर। दोस्तों दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो DOT भी लगा रहा है, DOT इस पे लगा रहा है, मतलब ये चल ही रहा है और चक्कर में टाइम ज्यादा जा रहा है, 4G यहां पे नहीं आ रहा है और कस्टमर दोस्तों यहां पे लॉस होते नजर आ रहे हैं यहां पे, क्योंकि कंपटीशन 4G का अच्छी स्पीड का, अच्छी नेटवर्क का है जो फिलहाल जियो के पास, एयरटेल के पास, VI के पास, BSNL के पास नहीं है। एक ही इसको डिसएडवांटेज यहां पे पहले दिल से ही खलता है। फॉर द स्टेट एंड दोस्तों टेलको अपकमिंग लैंडर्स 50,000 साइट, जैसे कि बता दो उसमें 50,000 साइट्स थी जो यहां पे चेंज करनी थी 2G 3G की 4G में, वो हुआ नहीं अभी तक। वो सारी चीजें खाली पेपर पे हुई, ZTE था उसको हटा दिया, उसके बाद दोस्तों बात चली थी टेक महिंद्रा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ भी नहीं हुआ, वो सारी हवा हवाई बातें, उसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे बता दूं कि हमें DOT ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कुछ रिकमेंडेशन दी। क्या थी रिकमेंडेशन? भारत सरकार ने दोस्तों बोला था कि डाइवर्ट इट्स फोकस ऑन स्टैंडिंग अवे द 2G एंड 3G। भारत सरकार ने ये बोला था BSNL को कि 2G और 3G से फोकस हटाओ आपका, यस अब आप 4G पे फोकस करो, यहां से फोकस हटाओ और यहां पे फोकस करो, 2G 3G को छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना है, अब आपको 4G लगाने में पैसा लगाना चाहिए, जो पैसा आपको हमने दिया उसको पैसे को 4G में लगाओ, फोकस उस पे करो, उसको जल्दी करो। ये था दोस्तों भारत सरकार का DOT का सजेशन यहां पे। लेकिन इसके सामने जो बताया गया यहां पे, जो BSNL का रिप्लाई आया था कि BSNL ये बता रहा था यहां पे कि बाकी सारी कंपनी की बात कर लीजिए, हमारी बात कर लीजिए, 60% यस दोस्तों BSNL के तो ऑलमोस्ट 70% यूजर जो है अभी भी 2G यूज कर रहे हैं और बाकी कंपनी के पास भी ऐसा है। तो अगर हम 2G सर्विस को अगर बंद कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको अपग्रेड नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो जो रह से कस्टमर है ना हमारे वो भी चले जाएंगे, रेवेन्यू कमाने की तो छोड़ो यहां पे चले जाएंगे। आप 4G पे बोल रहे हो कि 4G पे फोकस करो, 2G 3G को छोड़ दो, तो ये क्या जजमेंट था, क्या दोस्तों सजेशन था DOT का, मुझे भी समझ में नहीं आया। उसको 2G 3G के साथ-साथ पैरेलली 4G पे फोकस करने के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन पहले से ही दोस्तों घाटे में चल रही BSNL को ये बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4G पे फोकस करना चाहिए, 2G 3G को डालो खड्डे में, यस उनको बंद कर।
दो, आप यहाँ पे 4G पे फोकस करो। और BSNL ये बोल रहा है कि हमारे 60% से ज्यादा यूजर्स अभी भी 2G यूज कर रहे हैं, अगर इन पे फोकस नहीं करेंगे तो जो रहे का सब्सक्राइबर है वो भी चले जाएंगे, तो कमाई तो छोड़ो हम और मार्केट में माइनस में जाने लगेंगे। सुन आफ्टर द रिकमेंडेशन दोस्तों, वेयर द मेड BSNL विद DOT ऑन अक्टूबर 8 अक्टूबर को दोस्तों बैठा और वहां पे बताया कि हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे DOT जो हमको काम करने नहीं दे रहा, ऐसा वैसा न जाने क्या क्या चीजें बताई गई है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो चीज निकल के आ रही है दोनों ही काउंटर एलोकेशन लगा रहे दोस्तों। यहाँ पे DOT बोल रहा है कि आप जानबूझ के नहीं ला रहे, हम तो आपको पैसे भी दे रखे, पूरा का पूरा 70,000 का बजट दे रखा आपको यहाँ पे लाने के लिए, उसके साथ साथ आपको बोलने के लिए कि आ जाओ, लेकिन स्पेक्ट्रम नहीं दे रहे। BSNL ये बोल रहा है कि हमको आप स्पेक्ट्रम नहीं दे रहे और आप दूसरी दूसरी चीजें बोल रहे हैं कि 2G बंद कर दो, 3G बंद कर दो। भाई 2G 3G बंद कर देंगे तो जो रहे से कस्टमर है वो भी चले जाएंगे, जो 10% का मार्केट शेयर है ना पूरे भारत में वो भी चला जाएगा, 2% पे आ जाएगा। तो 4G कब आएगा? तो 4G के बारे में तो दोस्तों कुछ होना नहीं, दोनों बीच में एक दूसरे के एलिगेशन लगा रहे हैं। DOT दोस्तों बोल रहा है कि BSNL खराब कर रहा है, BSNL नहीं लाना जानबूझ के, और BSNL बोल रहा है कि सरकार जो है DOT जो है हमें 4G लाने नहीं दे रही है। अब दोनों में से कौन है सच्चा कौन है झूठा वो तो दोस्तों आपको निश्चित करना है, आपको डिसाइड करना है कि सरकार नहीं दे रही या BSNL 4G लाना नहीं चाहता। लेकिन फिलहाल दोस्तों BSNL का 4G दूर की कोड़ी है, अंधेरों में डूबा हुआ सूरज है जो आपको दिखने वाला नहीं है, और BSNL 4G फिलहाल तो दोस्तों 2021 में तो 2020 में तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा, 2021 में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों BSNL 4G नहीं आने वाला। यह सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि लड़ाई चरम पे यहां पे चल रही है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, एक थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखिएगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से उसको तोड़ने से दोस्तों आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास है एक घंटी का बटन, ये एक जादुई बटन है, इसको जोर दबा दीजिए, क्योंकि इसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजेगी और आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो सबसे पहले। तो भूले बिना इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना भाइयों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।